नमस्कार दोस्तों, भारत के हर राज्य में हजारों की तादाद में स्थापित प्राचीन मंदिर देश की पुरातन संस्कृति की धरोहर हैं। इनमें से बड़ी संख्या में ऐसे मंदिर हैं जो आज भी साइंस के लिए अजूबे से कम नहीं। इनके रहस्यों को कोई नहीं समझ पाया। ऐसा ही एक रहस्यमय प्राचीन मंदिर वेंकटेश्वर मंदिर है। इस मंदिर में प्राण प्रतिष्ठित भगवान तिरुपति बालाजी की प्रतिमा के सिर के बाल, ठोड़ी पर घाव के अलावा कई अन्य रहस्य हजारों सालों से अनसुलझे हैं। इतना ही नहीं, इस मंदिर के गर्भगृह में हजारों सालों से चिराग अनवरत जल रहे हैं। कहां स्थित है मंदिर श्री वेंकटेश्वर तिरुपति बालाजी? इतिहासकारों के अनुसार 5वीं शताब्दी में यह क्षेत्र हिंदुओं का प्रमुख धार्मिक केंद्र था। 9वीं शताब्दी में कांचीपुरम के पल्लव शासकों ने इस पर कब्जा कर लिया, जबकि 15वीं शताब्दी में तिरुपति बालाजी मंदिर को प्रसिद्धि मिली। तमिल साहित्य में तिरुपति को त्रिवेंगन कहा जाता है। यह मंदिर तिरुपति में स्थित है, जो आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले का हिस्सा है। इस मंदिर की उत्पत्ति वैष्णव संप्रदाय की ओर से की गई बताई जाती है। यह संप्रदाय समानता और प्रेम के सिद्धांत को मानता है। इस मंदिर की महिमा का वर्णन विभिन्न धार्मिक ग्रंथों में मिलता है। प्रभु वेंकटेश्वर या बालाजी को भगवान विष्णु का अवतार कहा गया है। कहा जाता है कि प्रभु विष्णु ने कुछ समय के लिए स्वामी पुष्करणी नामक तालाब के किनारे निवास किया था। यह तालाब तिरुमाला के पास स्थित है। तिरुमाला तिरुपति के चारों तरफ स्थित पहाड़ियां शेषनाग के साथ फनों के आधार पर बनी सप्तगिरी कहलाती हैं। यह प्राचीन मंदिर पर्वत की वेक्टांद्री वेक्टचला नामक 7वीं चोटी पर स्थित है। इसी कारण बालाजी को भगवान वेंकटेश्वर और श्रीनिवास कहा जाता है। बालाजी को भगवान विष्णु का ही एक रूप माना गया है। मंदिर के गर्भगृह में विराजमान है भगवान वेंकटेश्वर। वेंकट पहाड़ी का स्वामी होने के कारण ही इन्हें सात पहाड़ों का भगवान भी कहा जाता है। मंदिर के गर्भगृह में भगवान वेंकटेश्वर की प्रतिमा स्थापित है। यह मुख्य मंदिर के प्रांगण में है। मंदिर के प्रांगण में मनमोहक अनेक द्वार, मंडप और छोटे मंदिर हैं। मंदिर प्रांगण में दो मुख्य दर्शनीय स्थलों में पड़ी कवली महाद्वार, स्पंग प्रदक्षिणम, कृष्ण देवराय मंडपम, रंग मंडपम, तिरुमला राय मंडपम, आयना महल, ध्वजस्तंभ मंडपम, नंदमी पड़ी कवली, विमान प्रदक्षिणम, श्री वरदराज स्वामी श्राइन पोटू प्रमुख हैं। अनसुलझे रहस्यों के नाम से प्रसिद्ध है तिरुपति बालाजी मंदिर। बालाजी की मूर्ति पर हैं चोट के निशान। बालाजी की प्रतिमा पर चोट के निशान दिखाई देते हैं। पुरानी किंवदंती के अनुसार भगवान बालाजी का एक भक्त प्रतिदिन दुर्गम पहाड़ियों को पार कर भगवान को दूध अर्पित करने आता था। भक्त की इस अथाभक्ति और उसकी कठिनाई को देखते हुए भगवान ने फैसला लिया कि वह अब प्रतिदिन भक्त की गौशाला में जाकर खुद ही दूध पान करेंगे। इस फैसले के बाद भगवान ने रोजाना मनुष्य का रूप धारण कर गौशाला जाना शुरू कर दिया। एक दिन उस भक्त ने मनुष्य के रूप में भगवान को दूध पीते देख लिया। भक्त ने गुस्से में आकर उन पर प्रहार कर दिया। प्रहार से खून निकलने लगा। उस प्रहार का निशान आज भी भगवान की ठोड़ी पर मौजूद है। इसलिए हर रोज भगवान को ठोड़ी पर हुए घाव पर औषधि के रूप में चंदन का लेप लगाया जाता है। प्रतिमा के बाल आज भी हैं रेशमी। भगवान बालाजी के प्रतिमा के सिर के बाल आज भी रेशमी हैं। सबसे खास बात यह है कि यह बाल कभी उलझते नहीं, साथ ही यह बाल हमेशा ही ताज़ा लगते हैं। बालाजी को प्रतिदिन नीचे धोती और ऊपर साड़ी से सजाया जाता है। वहीं मंदिर में भक्तों की ओर से भी अपने बालों को भगवान के चरणों में अर्पित करने की परंपरा है। गाँव से लाए फूल, दूध, घी, मक्खन चढ़ाने की है परंपरा। मंदिर से 23 किलोमीटर की दूरी पर गांव से ही भगवान की पूजा के लिए फूल लाकर चढ़ाए जाते हैं। इसके अलावा इसी गांव की अन्य वस्तुओं, दूध, घी, मक्खन को ही चढ़ाया जाता है। प्रतिमा मध्य भाग में खड़ा होने का देती है भ्रम। मंदिर के गर्भगृह के बाहर से देखने पर भगवान बालाजी गर्भगृह के मध्य भाग में खड़े दिखाई देते हैं, जबकि यह सत्य नहीं है। भगवान की प्रतिमा गर्भगृह के दाईं तरफ के एक कोने में स्थित है। गर्भगृह में चढ़ाई गई किसी वस्तु को बाहर नहीं लाया जाता। बालाजी मंदिर के पीछे एक जलकुंड है। इन सभी वस्तुओं का पीछे देखे बिना विसर्जन किया जाता है।
प्रतिमा की पीठ पर हमेशा रहता है गीलापन। भगवान बालाजी की पीठ को जितनी बार भी साफ करो वहाँ गीलापन रहता है, जो सभी के लिए हैरानी से कम नहीं है। इतना ही नहीं, प्रतिमा की पीठ पर कान लगाने पर समुद्र की लहरों की आवाज़ें सुनाई देती हैं। तिरुपति बालाजी की मूर्ति हमेशा नम ही रहती है। बालाजी की छाती पर लक्ष्मी जी की छवि उभरती है। भगवान श्री विष्णु हरि के रूप बालाजी के वक्ष स्थल पर लक्ष्मी जी निवास करती हैं। हर गुरुवार को निज रूप दर्शन के समय भगवान बालाजी की चंदन से सजावट की जाती है। उस चंदन को निकालने पर वहीं पर माता लक्ष्मी जी की छवि उतराती है। इसे बाद में बेचा जाता है। हजारों साल से जल रहे हैं गर्भगृह में चिराग। गर्भगृह में हजारों सालों से चिराग जल रहे हैं। इस बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता। यह चिराग हमेशा जलते रहते हैं। विशेष तरह के कपूर से होती है प्रतिमा की सफाई। बालाजी मंदिर में भगवान की मूर्ति की सफाई के लिए विशेष तरह का कपूर लगाए जाने की परंपरा है। यह कपूर जब दीवार पर लगाया जाता है तब यह टूट जाता है, परंतु बालाजी की प्रतिमा पर लगाने पर यह कपूर साबुत रहता है। मंदिर की रसोई में रोजाना होता है 3 लाख लड्डुओं का निर्माण। इस मंदिर में रोजाना 3 लाख लड्डुओं का निर्माण किया जाता है। इन लड्डुओं को बनाने के लिए कारीगर 300 साल पुरानी विधि का प्रयोग करते हैं। इन लड्डुओं का निर्माण बालाजी मंदिर की गुप्त रसोई में किया जाता है। यह गुप्त रसोई पोटू के नाम से जानी जाती है। माता पद्मावती के दर्शन के बाद पूरी होती है यात्रा। माना जाता है कि तिरुपति मंदिर की यात्रा तभी पूरी होती है जब उनकी पत्नी पद्मावती माता लक्ष्मी की अवतार के मंदिर की यात्रा की जाए। यह पद्मावती का मंदिर तिरुपति बालाजी से 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। सो दोस्तों, यह थी तिरुपति बालाजी मंदिर से जुड़ी जानकारी। हर दिन नए और बेहतरीन वीडियोस देखने के लिए चैनल D5 हिंदी को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और इसी तरह के बेहतरीन आर्टिकल्स पढ़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को क्लिक करें। जुड़े रहें चैनल D5 हिंदी के साथ।